हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज के इस वीडियो में, जो कि हमारे सर्वनाम का भाग दो का वीडियो है, इसमें हम पढ़ने वाले सर्वनाम के भेदों के बारे में। हमने अपने पिछले वीडियो में, यानी कि सर्वनाम के भाग वन के वीडियो में, जो सर्वनाम के बारे में और उसके भेदों के बारे में, उसके भेदों के जो नामों को जाना था कि सर्वनाम क्या है, उसके भेद कितने होते हैं और वे क्या क्या है। तो आइए जानते हैं सर्वनाम के पहले भेद, यानी पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है? सर्वनाम के ऐसे शब्द जिनका प्रयोग जो है बोलने वाला व्यक्ति अपने लिए करता है, जो बोल रहा है अपने लिए करता है, और जो व्यक्ति सामने सुन रहा है उसके लिए करता है, या फिर उस व्यक्ति के लिए करता है जो आसपास नहीं, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो है करता है, जो आसपास है ही नहीं, मतलब कि जो नहीं सुन रहा है, अपने लिए, सामने वाले के लिए और किसी तीसरे व्यक्ति के लिए। तो ऐसे शब्दों को जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के जो भेद है वे तीन भेद हैं। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। तो आइए जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा किस प्रकार से लिखी जाती है और उसके जो भेद है तीन, वे क्या क्या हैं। अब हम यहां लिखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम, क्योंकि अभी हम इसका पहला भेद जो है पढ़ रहे हैं, तो इसका पहला भेद जो है वो है पुरुषवाचक सर्वनाम। सर्वनाम, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति स्वयं अपने लिए करता है, बोले व्यक्ति जो है वो स्वयं अपने लिए करता है, स्वयं अपने लिए यानी कि जो वक्ता है, जो बोल रहा है अपने लिए करता है, सुनने वाले के लिए, जो सामने सुन रहा है उसके लिए करता है, सुनने वाले व्यक्ति के लिए, या फिर अन्य तीसरे, या फिर जो तीसरा व्यक्ति है किसी अन्य के लिए करता है, व्यक्ति के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। वे पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। कहलाते हैं जैसे मेरा, हमारा, मेरा, हमारा, हम, तुम, वह, उसने, उसका आदि। ये तो था पुरुषवाचक सर्वनाम। अब इसके भेदों के बारे में जानते हैं। इसके जो है तीन भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के तीन भेद हैं। तीन भेद हैं।
उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष और तीसरा अन्य पुरुष। अन्य पुरुष अन्य पुरुष। तो अब हम पहले पढ़ सबसे पहले पढ़ते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष। अभी आते हैं वे सर्वनाम शब्द। वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग वे सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग जिनका प्रयोग उपयोग बोलने वाले व्यक्ति अर्थात वक्ता के लिए, वक्ता के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है। उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष कहते हैं, कहलाते हैं। जैसे वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग बोलने वाले व्यक्ति अर्थात वक्ता के लिए किया जाता है उसे हम उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, हमारी आदि। तो ये तो हो गया उत्तम पुरुष वाचक। अब हम दूसरा इसका भेद पढ़ते हैं जो क्या मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले यानी कि श्रोता के लिए किया जाता है उसे ही हम मध्यम पुरुष कहते हैं। जिन वे सर्वनाम शब्द जिनका उपयोग सुनने वाले जिनका उपयोग सुनने वाले व्यक्ति अर्थात श्रोता के लिए, मतलब जो सुन रहा है, जो सुनने वाला उसके लिए, अर्थात श्रोता के लिए किया जाता है, किया जाता है, वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। वे मध्यम पुरुष कहलाते हैं। जैसे तुम्हें तुमने, तुमसे,
तुम, तुम्हें, तुमने, तुमसे, आप, आपसे या आपकी, आपने आदि। तो ये तो बात होगी मध्यम पुरुष की। इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं अन्य पुरुष। हमने यहां लिखा ग, अब हम पढ़ने वाले हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष, वे सर्वनाम शब्द, वे सर्वनाम शब्द, शब्द जिनका उपयोग ना तो बोलने वाले यानी के वक्ता जो बोल रहा है, ना तो बोलने वाले और ना ही, और ना ही सुनने वाले, और ना ही सुनने वाले, सुनने वाले अर्थात श्रोता, सुनने वाले व्यक्ति के लिए बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के लिए, अन्य व्यक्ति किसी भी थर्ड पर्सन के लिए, अन्य व्यक्ति के लिए होता है उसे अन्य पुरुषवाचक, अन्य पुरुष कहते हैं। कहते हैं जैसे जैसे उनका, उन्होंने उसका, उनका, उनसे, आदि। तो आज के इस वीडियो यानी कि सर्वनाम की जो भाग दो के वीडियो में हमने पढ़ा सर्वनाम के पहले भेद पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में, और पुरुषवाचक सर्वनाम के ही तीन भेद यानी उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष के बारे में। तो उम्मीद है ये वीडियो देखने में आपको बहुत मजा आया होगा और आप में से बहुत मजे लेकर समझा और पढ़ा होगा। मिलते हैं हम अपने तीसरे वीडियो यानी कि सर्वनाम के भाग तीन में, जिसमें हम सर्वनाम के बाकी भेदों के बारे में और ध्यान से और गहराई से पढ़ेंगे। तो इसी तरह देखते रहिए ज्ञान अभियान, ताकि आपका हिंदी व्याकरण का जो ज्ञान है वो सदैव आगे बढ़ता रहे। पिछला जो भी कुछ आप भूल गए हैं उसे आप दोबारा से याद कर ले, वो आपके लिए दोबारा भूलने की स्थिति में ना हो।